आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। अयोध्या मामले को लेकर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने मीडिया को एहतियात बरतने की सलाह दी है। इस संबंध में आज रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों ने मीडिया से NBSA की एडवाइजरी के संबंध में चर्चा की है। रीवा रेंज IG चंचल शेखर, DIG अविनाश शर्मा व SP आबिद खान ने मीडिया को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि है NBSA के राम जन्मभूमि व बाबरी मस्जिद मामले में किसी भी प्रकार की भड़काऊ बहस से बचने को कहा है। कवरेज में मस्जिद को तोड़े जाने की फुटेज या फोटो इस्तेमाल नहीं की जाएगी। दो पन्नों की एडवाइजरी में कहा गया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने से पहले ऐसी कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं होनी चाहिए जिसमें मौजूदा कार्रवाई को लेकर किसी भी तरह की अटकलें जारी हों। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि NBSA की एडवाइजरी में कहा गया है कि अयोध्या मसले से संबंधित कोई भी समाचार तब तक नहीं दिखाया जाए जब तक रिपोर्टर या संपादक उसके तथ्यों की सही से जांच ना कर ले। सिर्फ उन्हीं तथ्यों का इस्तेमाल किया जाए या तो कोर्ट के रिकॉर्ड में हो या फिर रिपोर्टर खुद सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहा हो। पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को NBSA की एडवाइजरी का पालन करने को कहा है और ऐसा नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की बात की गई है। लोगों को और नहीं जानकारी अच्छी बात है, तो बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, तो उद्देश्य यही था कि हम लोग आपको अवगत कराना चाहते थे कि एक इस तरह की गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें कि सभी प्रकार के जो पब्लिकेशंस हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उनको क्या गाइडलाइन आप ही बोर्ड ने जारी कर रखी है कि उनका पालन करना है अयोध्या के मैटर की रिपोर्टिंग के समय। तो मैं एक एक करके उनके जो निर्देश उन्होंने 7-8 निर्देश दिए हैं उनको बताऊँ और थोड़ा थोड़ा उससे खुलासा भी करता चाहूँगा। बस बॉम्बे में जब अटैक हुआ था तो कई बार ऐसा हुआ जो बाद में पता चला, ट्रांसक्रिप्ट से पता चला, ऑडियो से पता चला कि वो बता रहे थे वहाँ बैठ के पाकिस्तान में कि भाई तुम यहाँ जाओ, तुम इधर बैठो, देखो वो दाहिने तरफ से बिल्डिंग के आ रहा है। आप लोगों को मालूम होगा ये सब चीज़ें कि बिल्कुल लाइव रिपोर्टिंग उनको फोन पे बता रहे, घूमन में आग लग गई है, तुम उधर से इधर तक जाओ, उधर चले जाओ, और पुलिस जो है दाहिने साइड से आ रही है, तुम फायरिंग बाएं साइड से करो, तुम पीछे। तो इस तरह से क्या है कि जो लोग वहाँ पे स्पॉट पे हैं, पुलिस फोर्स के लोग हैं और भी लोग हैं, उनकी जीवन को खतरा हो जाता है। तो ये रिपोर्टिंग का हमारे ध्यान में रखना है कि जीवन को संकट आपन नहीं करना। दूसरा है गवर्नमेंट एक्टिविटीज को हिंडर करना, यानी कि रोकना, बाधित करना कि गांव प्रशासन कुछ करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ व्यवस्था बनाना चाहता है, तो वो रिपोर्टिंग किया वो इस तरह से हो रही है उस टाइम के लोग जो है वो सहयोग करने के बजाय पुलिस से या प्रशासन से, लोगों से, नगर निगम से लड़ने के मोड में आ रहे हैं। ऐसा बहुत बार पास में हुआ है, कई सारे इन्होंने रिसर्च में इंसिडेंट बताया जब कैसे कैसे ये ऐसे घटनाएं हुई कि ये बात किया।